Hi guys, welcome to our channel. आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर जो फॉन्ट है या फॉन्ट साइज होता है उसके बारे में. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमें एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना पड़ेगा पहले. तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे हम नीचे टाइप करेंगे इक्वल साइन आर ए एन डी एंड देन ब्रैकेट्स एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो रैंडमली कुछ पैराग्राफ्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं. ये बेसिकली इसमें बाई डिफॉल्ट होता है ऑप्शन, ये एम एस वर्ड में रैंडमली हमारे पास ये तीन चार पैराग्राफ्स यहाँ भी आ गए हैं. अब इन पर हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे. जैसे होम टैब के अंदर हमारे पास है फॉन्ट, तो सबसे पहले हम फॉन्ट अप्लाई करेंगे. हम देख लेते हैं यहाँ पे होम टैब के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है फॉन्ट का ऑप्शन, ठीक है. इसमें ये कैलिबरी लिखा हुआ है बॉडी, ये बेसिकली फॉन्ट अप्लाई हुआ है हमारे फिलहाल जो डॉक्यूमेंट है उस पर. यहाँ पर इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं फॉन्ट के. यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है और भी इसके अलावा डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल्स होते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं या स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, तो नॉर्मली जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन. मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन को ही यूज़ किया जाता है, वो एक प्रोफेशनल लुक देता है. तो डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल ही क्रिएट किए जाते हैं तो इसके लिए मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को ही यूज़ किया जाता है. अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अगेन उस फोन फल भी गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में, टाइम्स न्यू रोमन को हमने सेलेक्ट कर दिया. तो हम ये हमारा डिफरेंट फोन है, जैसे ही हम टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा. हम इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा ये अच्छी प्रोफेशनल लुक आ रही है इसमें. तो ये बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन में हमने इसका फोन कर दिया. सिमिलरली इसमें और भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, हम वो भी इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से. इसके अलावा इसके साथ ही ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज़ का. अब यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स हमने देख लिए, कोई सा भी मर्जी से सेलेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो डेफिनेटली टाइम्स न्यू रोमन ही मतलब होता है. अब सेकंड इसमें हमने बात करनी है फॉन्ट साइज़ की. फॉन्ट साइज़ के साथ भी यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू छोटा सा बना होता है ऑप्शन, ये छोटा सा डाउन सा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसमें डिफरेंट हमारे साइज़ आ जाते हैं फॉन्ट साइज़ जो भी हम अपने टेक्स्ट का रखना चाह रहे हैं. जी हमारे डिफरेंट साइजेस आ गए. इसके अलावा ऊपर जो 11 लिखा हुआ है उस की जगह पे मैनुअली भी हम कोई सा भी फॉन्ट साइज दे सकते हैं. ये डिफरेंट हमारे पास साइजेस आ गए, ऊपर मैनुअली भी हम कोई भी टाइप करना चाहें तो वो भी यहाँ से हम इजीली टाइप कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे 11 है, इसको क्रॉस करके इसके जगह हम कुछ भी लिखना चाहें, क्यों लिख दिया या कुछ भी, तो वो हमारा अप्लाई हो जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट ये है कि हमने वो सिलेक्ट किया हो. जैसे हम यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया हमने, अब इसका फॉन्ट साइज हमने कर दिया 5 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे कि हम देख सकते हैं हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे जो फॉन्ट साइज है उसका वो 5 हो गया. नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. अगेन हम इसे 12 कर देते हैं क्योंकि यह ज़्यादा कर सकते हैं. अभी यही से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है पैराग्राफ्स के लिए वो 12 ही फॉन्ट साइज रखा जाता है. हेडिंग्स के लिए 14-16 यूज़ कर सकते हैं, बट पैराग्राफ या नीचे जो पैराग्राफ या डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मली साइज 12 ही रखा जाता है फॉन्ट साइज का. अब इसके साथ ही ऑप्शन एक और आ जाता है हमारे पास. इसके साथ अगर हम देखें अब एक ये कैपिटल ए दो बने हुए, एक का साइज थोड़ा बड़ा है, इसके साथ वाले का थोड़ा सा छोटा है. अब इनको हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं, ए के पर जाए तो लिखा हुआ आएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, दूसरा डिक्रीज फॉन्ट साइज. यहाँ से भी हम अपन टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. जैसे यहाँ हमने कुछ सेलेक्ट ही लाइन, ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया. अब इसको सेलेक्ट करते ही हमने जब उस ए पे प्रेस किया, क्लिक किया, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा. जितना मर्जी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से. सिमिलरली साथ वाले भी जाएंगे तो हम इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं. जितना चाहे हम इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. इस तरह से अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट का साइज, फॉन्ट और फॉन्ट साइज हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. सो बाकी पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे. थैंक यू.